पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। पढ़ते हैं बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी है तो असेंबली इंतखाबात यहाँ चल रहे हैं और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बीच पहले और दूसरे मरहले में अलग अलग हिस्सों के अंदर पोलिंग हुई और अब तक कुल मिलाकर 13 अजला के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों प्रोविंसेस में वोट डाले जा चुके हैं, जिनमें 7 कश्मीर के, 6 जम्मू सूबे के और अगला मरहला यकुम अक्टूबर को है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो रिवाइज डेटा एनालाइज किया गया, जो आदादोशुमार सामने आया, उससे पता चलता है कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 61% से ज्यादा और दूसरे मरहले में 57.31% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इसकी तस्दीक खुद मुतलका हुकाम या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई। नए सिरे से आदादोशुमार जारी किए गए और सेकेंड फेज में खवातीन का अच्छा खासा वोट बैंक जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर था वो वोट कास्ट भी हुआ है, यानी पोल परसेंटेज काफी बेहतर रही है। असेंबली इंतखाबात के बीच 26 सीटों पर सेकेंड फेज में 25 तारीख को वोट डाले गए, 57.31% वोटर टर्नआउट रहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा आदादोशुमार और जो ताजा तरीन रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर 25,78,000 जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, 13.12 लाख मर्द, 12.65 लाख खवातीन और 53 ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने वोट जिनमें से डाले गए, 18 से 19 साल की उम्र के भी 1.25 लाख के आसपास नौजवान थे। और सीईओ के मुताबिक कि दूसरे मरहले में 58.35% मर्दों ने, 56.22% खवातीन ने और 30.19% ट्रांसजेंडर्स ने वोट दिया। वोटिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के रुझान को आसान बनाएंगे सारी तस्दीक और जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिजल्ट जारी किया गया जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा टर्नआउट 80.45% जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी सीट पर जो नई सीट है, सबसे कम हब्बा कदल सीट पर श्रीनगर के अंदर 19.81% वोट डाले गए। देखिएगा असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 57.31% जो टोटल पोल परसेंटेज बनता है और कंगन सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले में सबसे ज्यादा पोल परसेंटेज जो 72.18% बनती है और 10 ऐसे मुख्तलिफ मराहिल हैं जहां पर मर्दों से ज्यादा खवातीन ने वोट डाले। राजौरी के अंदर राजौरी पूंछ में एक ऐसा हल्का जो थनम सीट है 74.94% वोट डाले गए। हब्बा कदल के अंदर 34.15% और लाल चौक असेंबली हल्के के अंदर 29.53% वोट डाले गए। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, बुदल, थना मंडी जो जम्मू प्रोविंस के हिस्से थे इनमें एक करके जो डिटेल्स आई हैं तो सुंदरबनी में 73.5% जो कालाकोट सुंदरबनी सीट है डिलिमिनेशन के बाद नई सीट बनी। माता वैष्णो देवी सीट 68.82, नौशहरा के अंदर 70.57, राजौरी के अंदर 0.04, बुदल के अंदर 72.88%, थना मंडी में 74.94%, सुरनकोट में 74.56, पुंछ और मेंढर के अंदर भी इसी तरीके से 73 और 74 बिलतरतीब परसेंटेज वोट की रही है। ईसीआई की डेटा के मुताबिक कंगन में जहां पर 72.18%,
प्रॉपर गांधरबल में 57.12%, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 32.39%, खानियार में भी 26.9% वोट डाले गए, हबाकदल में 19.81%, लाल चौक के अंदर 34.15%, छानपुरा में 29.51% वोट डाले गए। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो बिलाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।